अच्छा अरविंद जी बैठ जाइए, अरविंद यादव जी बैठ जाइए। या आज सुबह हमने क्या देखा, यकटू देखा है ना, कपास खुद का बीज लगाया हुआ चुना हुआ। यहाँ मोती भाई ने बीज बाजार से खरीदा है बेटी के पास, ये फोन है, अब इसमें हल्दी है, कपास में हल्दी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कृषि वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग नहीं किए कपास में हल्दी या बागवानी में हल्दी। यहाँ आप दो बातें देखेंगे, एक तो वहां यप टू हमारा बीज खुद का, यहां खरीदा हुआ, अब दोनों को जीवामृत है, उसको भी है उसको भी, लेकिन जीवामृत देने के बाद ये बदल गए। पहले क्या था ये, हाँ वाल्या था, दौड़े खा डाकू है कि नहीं, अब क्या बन गया, वाल्या वाल्मीकि बन गए। जीवामृत देने में थोड़ी देर हो गई, कुछ गड़बड़ में थे मोती भाई, अगर एक बार और जीवामृत मिल रहा ना तो ये तो अलग हो जाता, बिल्कुल अलग हो जाता। ये देखने के बाद रासायनिक में जो बेटी लिया है उसका हाल क्या है हम देखेंगे, तो मालूम पड़ेगा बेटी क्या करता है। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में कपास की कमी है, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं लगातार। अभी दो महीने ठहरी है, 12,000 रुपये क्विंटल रहेगा कपास दो महीने के बाद। एक समय ऐसा आएगा कि कपास म्यूजियम में देखना पड़ेगा, क्योंकि कपास कोई बोएगा नहीं, क्योंकि उत्पादन नहीं मिलेगा, खर्चा हो गया। लेकिन कपास को हमने ठिकाना है, इसका कारण है कपास का विकल्प रूप में जो पॉलिस्टर आया है वो भगवान की व्यवस्था में उसका अस्तित्व नहीं है, ये मानव निर्मित है। लाखों साल पहले घने जंगल भूचाल से अंदर गाड़े गए थे और बहुत बड़े दबाव से वो जंगल का क्या बन गया, कोयला बन गया, डीजल पेट्रोल बन गया, और जो सूरत वाले बेचते ना क्या डायमंड बन गया। ये प्रकृति है, लेकिन प्रकृति में पॉलिस्टर नहीं है। आप पॉलिस्टर के कपड़े बनाते हैं, वहां जाइए कारखाने में, मैं जाकर आया हूं, वहां ऑटोमेटिक मशीनें काम करती है, यानी एक ऑटोमेटिक मशीन रोबोट गाइडेड 100 कामगारों का काम करती है, यानी एक मशीन लाया तो 100 कामगार बेकार। और जो धुआं निकलता है उस कारखाने में वो ग्रीन हाउस गैसेस से हवा में छोड़ा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तापमान वृद्धि, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, विनाशकारी है। लेकिन जब आप खादी का कपड़ा पहनोगे, ये खादी देशी कपास की है, सुभाष पाले कृषि में पैदा हुआ, इसका धागा भी आदमी के हाथ से निकला है, रेचा से रुई, फिर आदमी के हाथों से उसकी बुनाई हुई है वर्धा में, फिर उसकी धुलाई भी आदमी हाथों से, और नेचुरल कलर प्राकृतिक रंग है, पत्तों से फूलों से लिया हुआ उसको रंगाई हुई है, और रंगाई के बाद दबाई हुई है। इसका कपड़ा भी महिलाओं ने बनाया है, ये कपड़ा भी सिलाने वाली महिला ही है, और ये कपड़ा मेरे हाथ मेरे शरीर पर भी है। देखिए, अगर कपास के कपड़े खादी के कपड़े लोग ज़्यादा पहनने लगेंगे तो कपास की मांग बढ़ेगी, कपास की मांग बढ़ेगी तो कपास के दाम, कपास के दाम बढ़ेंगे तो मजदूरों को भी मजदूरी बढ़ेगी, क्योंकि पैसे ज़्यादा तो ज़्यादा है ना, 5 रुपये किलो चुनाई थी अब 10 हो गई, कहीं की तो 15 रुपये होगी, बढ़ते हैं ना दाम बढ़ने से। इतना ही नहीं, कपास जब मंडी में जाएगा
तो दलाल वो हमाल कितने लोग जीते हैं मंडी में, है ना। मंडी से कहाँ जाएगा, जिनिंग में जाएगा, तो कितने काम कर, बहुत काम को रोजगार मिलेगा। वहां से सूत गिरनी में जाएगा, सूत बनाने में, वहां भी लाखों कामगार जिन जाएंगे। वहां से कपड़ा मिल में, कपड़ा बनने में बुनकर, कितने बुनकरों को काम मिलेगा। फिर बाद में रंगाई और बाद में सिलाई और बाद में उपभोक्ता के पास। बीच में कितने कामगारों को कामगार मिल गए, रोजगार मिल गए, लाखों करोड़। आप मेरे हमारे देश की लोकसंख्या जनसंख्या 140 करोड़ है, आपको ताजुब होगा लगभग 14 करोड़ लोग इस कपड़ा उद्योगों में काम मिल रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। और ये है ना, हम जो खाते हैं उस खाद्य में कीटनाशक के अवशेष होते हैं, खरपतवार नाशी दवा के अवशेष होते हैं, रासायनिक खाद के अवशेष होते हैं। और जब हम खाते हैं उसका पाचन होता है, ये जो जहरीले अवशेष है इसमें से वो पसीने के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, अपने आप होती है। अगर नहीं हुई तो ये हमारी कोशिकाओं में जहर संग्रहित होते हैं और हमारी प्रतिरोध शक्ति को खत्म करते हैं। यानी हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति खत्म हुई कि हम कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक से आप ये पसीना बाहर निकलता है, पसीना उसको सोखने का काम और बारिश होने का काम कौन करता है, कपास का कपड़ा। ये क्या करता है, अंदर के अंदर उसको है? अंदर के अंदर तो बाहर नहीं निकलता, जहर अंदर के अंदर डिपॉजिट होता है और फिर हम बीमारियां होती। इतना नहीं, दूल्हे की शादी होती है, मई महीने का टेम्परेचर कितना, 45, दूल्हे के अंदर बनियान, बलन के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर कोटिंग, कोटी के ऊपर पूरा उसके ऊपर चला है, अंदर से पसीना दो दो घंटे चलती है ना, इसको मालूम है। अरे क्या पागल बने, क्या पागल बने। इसलिए कपड़े का कोई विकल्प, और अगर ये हमें विकल्प नहीं दिया तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ख्याल में रहेगा। इसके बाद हमारे खेत का काम रोबोट करेगा, यंत्र मानव करेगा, बुआई वो करेगा, चुनाई वो करेगा, खाद देने का काम करेगा, छिड़काव भी वो करेगा। ड्रोन आ गया, अभी ड्रोन आ गया, दवा खाने में सब काम वो यंत्र मानव करेगा, वो पढ़ाएगा, स्कूल में वो ही काम करेगा पढ़ाने का काम, मंत्रालय में वो काम करेगा, ऑफिस में वही काम करेगा, गाड़ी भी चलाने का वो काम करेगा। अगर आपको खाना खाना बहुत तकलीफ लगता था, अपने मुंह में डालने का भी काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। देखिए, जब पुश की आवश्यकता नहीं हुई, पुश गिर गई, बंदर थी, है ना। अगर हमारे पेट में पाचन शक्ति नहीं रहेगी, काम ही नहीं है ना, व्यायाम का है, बीमारियां ज्यादा पड़ेगी। इसलिए कपास को कोई विकल्प नहीं, लेकिन कपास कौन सा, बीटी नहीं, देसी हाइब्रिड नहीं हमारा। लेकिन अगर बीटी लिया है मोदी भाई ने, ठीक है उसको हमने हमारे पार्टी में शामिल कर दिया, पवित्र हो गया। आजकल वही चल रहा है ना, अपने लोगों को भुलाना, पवित्र कर देना। तो इस तरह का ये कपास अभी आप देख रहे हैं। अभी मोदी भाई ने क्या किया वो बताएंगे, पहले से बताइए, इसके पहले क्या कौन सी फसल थी, फिर जोताई कैसे की, फिर बीज कहाँ से लाया, क्या भाव से लाया, और फिर कितने अंतर पर रखा, जो आम कितने बार दिया, हवा छिड़काव कैसे किया, सब बताइए। जय माता दी, जय माता। सबसे पहला गया वर्ष में कपास बनाया था, हिंदी में बात करना है, थोड़ा थोड़ा पिछले साल मैंने कपास की बुआई की थी। आती है नाटक करते यार। नाटक नहीं करते गुरु जी, गुजराती लोग को सब हिंदी में लेते हैं ना, फिल्म पूरी हिंदी देखते हैं। पिछले साल मैंने बेटी कपास ही बनाया था और वो बाजार से लाया था 500 रुपये एक ठेली, 500 ग्राम, और यूरिया डाल के बनाया था।
डीएपी डाला था, पर वैसा अब जब तुम अभी देख रहे हो वैसा नहीं हुआ था। और ये साल मैंने 1000 रुपये की एक थैली ली 750 ग्राम, वो 4G वाला कपास है। और पहले मैंने घन जीवामृत दिया, हल्दी में और कपास में दोनों में घन जीवामृत दिया। बाद में मैंने जीवामृत लिया, 60 बार जीवामृत का छिड़काव किया। और जब चूसिया दिखने लगे तब मैंने नीमास्त्र लगाया। नीमास्त्र के बाद रिजल्ट ठीक हुआ। बाद में मैंने फिर जीवामृत और खट्टी छास छिड़काव किया। वैसे हर तरफ 15 दिन रूटिंग चालू हुआ। अभी उसमें और कुछ में 10 पानी तो दिखाया ही नहीं खेत में, सिर्फ ब्रह्मास्त्र बनाया, अग्निअस्त्र बनाया और नीमास्त्र, ये 3 ही उपयोग किया। ज़रूरत ही नहीं अभी उनको 10 परसेंट देने की, और बनाया ही नहीं है अभी। ये क्वालिटी एक चुनाई की गई इस खेत में तो पहले 5-7.5 क्विंटल निकल गया, 1.5 क्विंटल एकड़ का निकल गया। अब ये दूसरी चुनाई होने वाली उसमें डबल निकलेगा। अभी 2 कतरों के अंतर कितना लगा है कपास के? दो कपास और हल्दी के बीच में 3.5 फीट 7 फीट हो गया। और कपास के अंतर में 7 फीट अंतर हो गया। दो पौधों के बीच में 1 फीट हल्दी लगाई, कपास की जो बुआई है वो ही 1.5 फीट के अंदर है। पर उसमें क्या हुआ कि पिछले साल मैंने रोटरी लगा दी थी कपास के ऊपर और वो बीज भी अंदर शामिल हो गया, इसलिए वो तुम घूमे लो तो F2 भी है और F1 भी है। जो पिछले साल था वो क्या है, मैंने खड़े कपास पे रोटरी चलवा दी और वो कटिंग करके वो आपने मिला दिया जमीन में। हाँ, उसमें बीज था, वो भी निकला और ऊपर से जो 4G लगा है वो भी है, दोनों मिले कर दोनों मिला ही है। बीजेपी कांग्रेस का मिला है। अभी तो पूरी पार्टी अंदर मिल गई। आपको नहीं मिल गया, आम आदमी नहीं मिला, ठीक है। पुराना कपास था उसमें भी वो हमारा वाला अप्लाई हो रहा है। बीज बुआई की या डुबाई की, क्या किया आपने? बीज हाथों से डाला? हाँ, हाथों से डाला गुरु जी, ठीक है। यूरिया कितना डाला? यूरिया बिल्कुल नहीं गुरु जी। क्या डाला है? सिर्फ घन जीवामृत। कितना डाला है 5 एकड़ में? तो 5 एकड़ में कम से कम 10 क्विंटल होगा। बुआई कब की बीज होगी? वो जून महीने, जून में। तारीख तो पता नहीं, वो 20-25 तारीख। उसी समय हल्दी लगाई? हाँ, उसी समय ही हल्दी लगाई। हल्दी कौन सी है? हल्दी वो शेलम है। हल्दी के 2 कतार लगाई कि एक ही कतार लगाई? एक ही कतार लगाई। एक ही कतार लगाई। दो हल्दी के बीच में अंतर कितना रखा? 1 फीट का। अच्छा। और बीज बीजामृत का संस्कार किया? हाँ। हल्दी को? हाँ। लगा दिया? लगा दिया। बाद में अंतर पाक क्या लिया? 2.5-3 फीट 3.5 फीट अंतर पाक में हल्दी के साथ उड़द लिया था। बीजा उड़द लिया था? नहीं नहीं, हल्दी के बेड़ लिया था। हाँ, उड़द लिया था। तो उस टाइम उनका आच्छादन भी हो गया? बगल में? नहीं नहीं, बगल में एक ही लाइन है। देखिए ये हल्दी है, यहाँ लगाया? देखो कपास के पास ही लगाया? नहीं, कपास के नहीं लगाया। देखो ये उड़द भी है, ये उड़द लगाया था अंतर सब। वो तो चुनने में रह गया, इसलिए चुन लिया दिखाने के लिए। वो तो रह गया दिखने के लिए ही रह गया और आपके पास ही रहा, बाकी खेत में घूमोगे तो नहीं मिलेगा। क्या बात है, ठीक है। अब ये 5 एकड़ में बीज कितना डाला कपास का? 5 एकड़ में 5 थैली लिया था कपास का बीज। और ये हल्दी का बीज कितना लिया? हल्दी का बीज तो हमारा घर खुद का ही था। 3 साल से प्राकृतिक खेती करता हूँ,
और वो जयदीप सिंह और मैंने साथ में मंगवाया था महाराष्ट्र से, उसमें जो मातृगाट निकाल लिया। ठीक है, हम देशी देंगे आपको। अब इसको जीवामृत कब से चालू कर दिया, कितना दिया? कश्यप और धर्मेंद्र भाई आए थे, तब मेरे को तो पता ही नहीं था कि गुरुजी हमारे फार्म पे पधारने वाले हैं। वो तो मैंने सोचा, मैंने उनको बताते बोलना है कि बताने का उसने भी मुझे बताया नहीं चाहिए। अभी तो बताएंगे गुरुजी। तो गुरुजी वो आए और बार बार मुझे टॉर्चर करने लगे और बोला कि ये करो ये करो। मेरे पास मजदूर नहीं आते हैं, कपास चुनने को चले गए। तो कपास चुनने में जाते हैं तो एक किलो का 7 रुपये मिलता है और यहाँ काम करेगा 200 रुपये मिलेगा, वहाँ 250-300 रुपये मिलेगा। तो उस टाइम मजदूर नहीं आया, फिर मैंने उसको पोटली दे दी। पोटली लगा के चलो अपने काम तो करो। तो वो जीवामृत लगातार लगा दिया। उनको मजदूरों को हम तो आठ ही नहीं लगा रहे, बहुत बड़ा उपाय है। वो भी देसी है, यहाँ तक कारखाना नहीं है। अभी तो चुनाव चल रहा था, वो तो हर गांव में चुनाव के टाइम में तो हर गांव में मिलता है। शांत रहिए। युवाओं में कितने बार दिया? अभी कश्यप भाई ने बोला तो लगातार बीज लगाने के बाद कितने बार दिया? बीज लगाने के बाद उनका अंकुर होना दिया, अंकुर होने के बाद थोड़ा बाहर निकला और बराबर ठीक लगने लगा। तो उस टाइम में 1 लीटर जीवामृत और 250 ग्राम छाछ का छिड़काव किया। छिड़काव किया? हाँ। जीवामृत नहीं दिया? नीचे जीवामृत दिया और लेकिन कम दिया। कम दिया? हाँ, 1 एकड़ में 8 बैरल 100 लीटर। उसमें भी कंजूसी गुरुजी। वो उस टाइम क्या है, जीवामृत बनाने का जो है मेरे पास ऑटोमेटिक प्लान नहीं है, तो बैरल 200 लीटर बैरल में बनाता हूँ, तो 5 बैरल में तो मुझे कम दिया। हाँ कम दिया भाई, जब बड़े होने लगा ये मजदूरों को ज्यादा दिया, इसको कम दिया। पर छिड़काव कितनी बार किया जो हम अभी तक? तो कम से कम 8 से 10 दफा हो चुका है। अभी वो पड़ोसी मिला मुझे आपका, हाँ। वो बोल रहा था कि इन्होंने एंडो सल्फान छिड़का है। एंडो सल्फान का डबला ही नहीं लाया। लाया था और दूसरे खेतों में, वो खेत में नहीं। ठीक है, पूरा खेत तो नहीं, वो मजदूर पिलाने के लिए नहीं लाया था। तो अभी बताइए ये जो आपने